नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजेश यादव अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग में कार्यरत हूं। मैं आपको दलहनी फसलों की किस्मों के बारे में बताऊंगा। खरीफ में मुख्यतः हमारे पास तीन दलहनी फसलें हैं, पहली मूंग, दूसरी अरहर और तीसरी उड़द। मूंग में सत्या बसंती किस्मों से आप अच्छी तरह परिचित होंगे, ये काफ़ी पुरानी किस्में हैं, खरीफ में इनकी काश्त की जा सकती है। अन्य किस्में जो खरीफ में लगाई जा सकती हैं उनमें MH 318, MH 421 और हाल ही में हमारी जो अभी अनुमोदित हुई है किस्म MH 1142, ये तीनों किस्में भी खरीफ में लगाई जा सकती है। खरीफ में बिजाई का सही समय जुलाई माह की पहला पखवाड़ा है या फिर मानसून के आगमन पर इसकी बिजाई करें। इससे पहले की गई बिजाई में कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है एवं फलियाँ कम लगती हैं, इसलिए सही समय पर बिजाई करना अति आवश्यक है। ये जो पांच किस्में मैंने बताई हैं इनमें दो किस्में MH 318 और MH 421, ये दो किस्में हम स्प्रिंग और समर सीज़न यानी कि बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में भी इनकी काश्त की जा सकती है। ये दोनों छोटी अवधि में पकने वाली फसलें हैं और इन दोनों किस्मों में गर्मी में भी बो करके जिसकी की बिजाई हम 15 अप्रैल से पहले सुनिश्चित कर लें ताकि ये 15 जून तक कट जाए। अन्यथा इनकी कटाई के वक्त मानसून के आगमन की वजह से भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए 15 अप्रैल से पहले पहले इन दोनों किस्मों की बिजाई कर लें। ये दोनों किस्में काफ़ी प्रचलित हैं और इन दोनों का ही बीज हमारे पास अतः मात्रा में उपलब्ध है। जो नई किस्म MH 1142 आई है वह पूरे उत्तर भारत में खरीफ के मौसम में कास्ट की जा सकती है उस फसल की, और उसकी पकने की अवधि लगभग 65 से 70 दिन तक है। यह नई किस्म जो पहले आने वाली किस्में हैं उनमें आने वाले विषाणु रोग खास करके पत्ता मोजैक, पत्ता झुरी, पत्ता मरोड़, इनकी बिल्कुल प्रतिरोधक है। इसमें रस चूसक कीड़े जैसे थ्रिप्स और वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी, इनका भी कम प्रकोप होता है। यह किस्म अभी इसी वर्ष अनुमोदित हुई है और इसका बीज अब अगले वर्ष से उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी फसल अरहर है, उसमें हमारे पास दो किस्में हैं, पारस एवं मानक। पारस पकने में लगभग 140 से 45 दिन लेती है और मानक पकने में 130 से 35 दिन देती है। दोनों की ही बिजाई हम जून के अंत में कर सकते हैं। जून में के अंत में की गई बिजाई सबसे अच्छा पैदावार देती है दोनों ही किस्मों की। इनकी औसत पैदावार 18 से 20 मण प्रति एकड़ किसान ले सकते हैं। तीसरी फसल उड़द है, जो खरीफ में जिसकी बिजाई हो सकती है, उसकी किस्म UH1 है। UH1 70 से 73 दिन में पकने वाली किस्म है एवं इसकी बिजाई हम जुलाई के अंत तक या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक भी कर सकते हैं। यह किस्म विषाणु रोग पीला मोजैक के बिल्कुल प्रतिरोधी है एवं इसकी अच्छी पैदावार आती है। अब मैं आपको रबी में बोई जाने वाली दलहनी किस्मों के बारे में बताऊँगा, जिनमें मुख्यतः चना है, उसके बाद में मसूर है और फिर दाना मटर है। चने में हमारे पास देसी एवं काबली दोनों किस्म की किस्में हैं। देसी चने में HC1, HC3 एवं HC5 है। उन देसी चने में ही हाल ही में HC7 नाम की भी एक किस्म हमारी अनुमोदित हुई है। HC1 को हम अगेती, पछेती, नॉर्मल हर तरह की बिजाई में उपयोग में ला सकते हैं एवं बारानी एवं सिंचित एरिया दोनों में ही बो सकते हैं। HC3 का दाना HC1 की अपेक्षाकृत लगभग डेढ़ा मोटा है और HC5 हम अधिक पैदावार देने वाली फसल है, सीधे बढ़ने वाली फसल है, उसे हम सिंचित इलाकों में और हाई इनपुट्स वाले एरियाज़ में बो सकते हैं। HC5 किस्म है जो इंटरक्रॉपिंग गन्ने के साथ भी कर सकते हैं, मक्का के साथ भी कर सकते हैं, दूसरी फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये सीधी बढ़ती है इसलिए इसकी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी संभव है। HC1 और HC5 की बीज की मात्रा 16 से 18 किलो प्रति एकड़ यूज़ करें और HC3 का दाना क्योंकि मोटा है तो इसलिए उसका लगभग 32 किलो प्रति एकड़ बीज इस्तेमाल करें। जो अभी हाल ही में हमारी अनुमोदित हुई है चने की देसी किस्म HC7, ये सिंचित एवं देर से बोई जाने वाली किस्म है। सिंचित क्षेत्रों में जहाँ पर कि समय पर बिजाई ना हो पाए किसी वजह से, खरीफ की फसल यदि लेट कटाई होती है तो उन सिंचित इलाकों में देर तक इसको HC7 को बोया जा सकता है। दूसरी फसल मसूर है। मसूर में तीन किस्में हैं हमारी, सपना, गरिमा एवं हरियाणा मसर नंबर 1। इनमें से सपना और गरिमा ये दोनों किस्में मोटे दाने वाली किस्में हैं और गरिमा छोटे दाने की किस्म है।
किसान अपनी सुविधा अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार इनमें से छोटे दाने वाले या मोटे दाने वाले किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। मोटे दाने वाली किस्मों की पैदावार लगभग 12 से 15 मण प्रति एकड़ है और छोटे दाने वाली किस्म की पैदावार 15 से 18 मण प्रति एकड़ है। छोटे दाने वाली का बीज की मात्रा कम लगती है और बड़े दाने वाली फसल की किस्मों की बीज की मात्रा थोड़ी अधिक लगती है। जो बड़े दाने वाली किस्में हैं सपना एवं गरिमा, इनका 10 से 12 किलो बीज प्रति एकड़ लगेगा और जो छोटे दाने वाली किस्म है इसकी बीज की मात्रा लगभग 15 से 18 किलो प्रति एकड़ लगेगा। तीसरी फसल जो रबी में बोई जा सकती है वह दाना मटर है। यह किस्म यह फसल हरियाणा में इतनी प्रचलित नहीं है लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत है। इसकी हमारी 6-7 किस्में हैं जो कि पूरे भारत में बोई जाती हैं और यह दोनों तरह से इस्तेमाल होने वाली भी किस्में हैं इसमें, जिसमें कि हम कच्ची मटर सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पकने के बाद दाना मटर, साबुत मटर या दाल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाना मटर की पुरानी किस्में जैसे अपर्णा, जयंती, उत्तरा ये काफ़ी प्रचलित रही हैं, लेकिन उसके बाद में आई हुई किस्में जैसे हरियल, HFP 9426, HFP 529, HFP 715 ये काफ़ी नई किस्में हैं। इनमें से दो किस्में हरियल एवं जयंती यह किस्म डुअल पर्पज़ हैं, ये दोनों ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, दाल के लिए भी और कच्ची फलियां सब्जी के लिए भी। इनमें दोनों किस्म की दोनों प्रकार की किस्में हैं हमारे पास, छोटे बढ़वार वाले भी और लंबी बढ़वार वाले भी। अपर्णा, जयंती, उत्तरा, HFP 9426, अपर्णा, जयंती, उत्तरा, HFP 529 ये छोटे बढ़वार वाली किस्में हैं और HFP 9426 और HFP 9907 भी, जिसे हरियल भी कहते हैं, यह लंबी बढ़ने वाली किस्म है। किसान अपनी उपयुक्तता के हिसाब से इनमें से किस्मों का चुनाव करें एवं इनकी सभी की पैदावार 25 से 30 मण औसत पैदावार आराम से आ सकती है। वैसे इनका पोटेंशियल 30 से 35 मण प्रति एकड़ है। धन्यवाद जी।